खबर ग्वालियर से, जहां एक युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत की है कि उसे जॉब दिलाने का झांसा देकर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले युवक ने दुष्कर्म किया है। जब समय ज्यादा बीत गया और उसे जॉब नहीं मिला तो उसने शारीरिक शोषण का विरोध किया। युवक ने उसे शादी का वादा कर जाल में फंसाए रखा, लेकिन युवक का किया वादा जॉब लगवाने की तरह झूठा निकला। युवती को ना जॉब मिली ना ही बॉयफ्रेंड ने उससे शादी की। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुरार पुलिस ने जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर मुरार के एमएच चौराहा पर रहने वाली 22 वर्षीय काजल ने 6 महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि पिछले साल नवंबर में यह काजल किसी कार्य से जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां उसकी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले सोनू राजपूत निवासी कृष्णपुरी से पहचान हुई थी। सोनू राजपूत ने उसे जॉब दिलवाने का झांसा देकर उसका रिज्यूम भी मांग लिया था। इसके बाद उसने युवती से दोस्ती कर ली और एक दिन युवती को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। युवती ने जब विरोध किया तो युवक सोनू ने जल्द ही युवती को नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में जब युवती को नौकरी नहीं मिली तो उसने सोनू से अपनी नाराजगी जताई, जिस पर सोनू ने युवती से जल्द ही शादी कर लेने का वादा किया, लेकिन यह वादा भी नौकरी की तरह ही झूठा निकला। करीब 6 महीने तक परेशान होने के बाद युवती ने मुरार थाने में सोनू राजपूत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत की है कि नौकरी लगवाने के नाम पर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले युवक उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मुरार के अंतर्गत फरेदिया के द्वारा, जो कि एम एच चौराहे पर रहती है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कल। उसके द्वारा ये बताया गया कि 2021 में इसकी मुलाकात जिला अस्पताल में जो आयुष्मान मित्र था आरोपी से हुई थी और उसने जॉब लगवाने के नाम पर, मैंने अपना रिज्यूम भी वहाँ देकर आई थी, फिर उसके बाद उसने मुझसे मित्रता की और लगातार मेरे साथ नवंबर 2021 में मेरे साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। जब परिवार ने बात की और मैंने बात की शादी के लिए, तो उसने मना कर दिया। तो इस आधार पर थाना मुरार में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।